ये तो ऐसे लग रहा है ऐसे स्पिनी पे गाड़ी नहीं दिखाते, उस टाइप से आ रही है। चलो भाई बाकी ये देख लो भाई, साइड से अपनी है भाई ब्लैक जगह लगती है भाई रात में। बाकी ये रहा भाई सुजुकी का लोगो, और ये भाई ये अपना लोगो, ये अपना, ये अपनी ब्रांड है, ठीक है। बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, और भाई इतना प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया भाई, अपने 500 सब्सक्राइब आपने कर दिए हैं, तो भाई हमने थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो हमने सोचा वीडियो वगैरह बना ले। बाकी ये रही गाड़ी, इसका डिटेल देते हैं एक बार, ठीक है भाई, ब्रीफ देते हैं प्रॉपर, ठीक है भाई। फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हैं, देख लो भाई इस हिसाब से अभी फ्रंट है अपना, जो VXI मॉडल आता है कंपनी से इस टाइप से फ्रंट आता है, पूरी चेक कर सकते हो। जो देखो जैसे ग्रिल है ना, ये टॉप मॉडल में भी ऐसी ग्रिल आती है, और बेस मॉडल में ये अपना बेस से एक ऊपर वाला है उसमें भी ऐसी ग्रिल आती है, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया लगती है भाई। देखो इस टाइप के फ्रंट लुक। बाकी भाई पूरी गाड़ी अभी स्टॉक ही है, जैसे कंपनी से आती है, पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। फ्रंट में देख लो, बाकी शीशे पे हमने लिखवा रखा है, चेक कर लो भाई क्या लिखवाया, कमेंट सेशन में लिख देना भाई। और फ्रंट से भाई देख लो इस टाइप से फेसिया है स्विफ्ट का, और साइड मिरर वगैरह सारी चीज़ें देख लो भाई। ये लाइट है अपनी हेलोजन ही है भाई, जो कंपनी फिटेड आती है, और नीचे फॉग लाइट आती नहीं है इस मॉडल में ये भाई। बाकी कुछ है नहीं आगे ज़्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली बाकी साइड से आते हैं, तो भाई VXI वेरियंट में अपनी देख लो भाई, स्टील रिम आ जाती है। और भाई मेन चीज़ क्या है VXI वेरियंट लेने का, जब अपना ORVM है ना, तो कलर्ड बॉडी कलर में मिल जाते हैं, और साथ के साथ इंडिकेटर वाले मिल जाते हैं। जैसे बेस मॉडल में इंडिकेटर आता है ना भाई, वो अजीब सा लगता है, तो इसलिए ये मॉडल लो, वही बेस्ट है, इसमें पावर विंडो वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो वही चीज़ बेस्ट है भाई। बाकी चीज़ सारी नॉर्मल है, बाकी इसमें हैंडल आप लोगों को पता ही पीछे ही आता है, और इसके अंदर ये कंपनी से लगवा रखे हैं डोर गार्निश जो होती है ऊपर की। बाकी ये देख लो भाई साइड से अपनी है भाई ब्लैक जेड, तो भाई जिसके वैसे हम रिकमेंड करते नहीं भाई कि जिसका दम है भाई वो लगवा ले, बाकी भाई करवा रखी है भाई ने, ठीक है भाई। ये देख लो अपनी साइड से लुक इस टाइप से, व्हील कवर वगैरह भाई, और ब्लैक ब्लैक के ऊपर, और जैसे ब्लैक शीशे करा रखे ना, और जैसे बंदा ब्लैक रूफ करा दे और वाइट पेंट भाई, प्रॉपर इतनी बढ़िया लगती है ना, लुक ही आ जाती है गाड़ी की भाई। बैक से स्टार्ट करते हैं हम भाई, अपने बैक से पूरी लुक चेक कर सकते हो आप, जैसे कंपनी से वो सील टाइप की लाइट आती है ना, सी जलती है, बढ़िया लगती है भाई रात में। बाकी ये रहा भाई सुजुकी का लोगो, और ये भाई ये अपना लोगो, ये अपना, ये अपनी ब्रांड है, ठीक है। बाकी ये रहा भाई पीछे अपना ब्लैक जेड है पीछे से भी। बाकी ये भाई शार्क एंटीना जो आता है, शार्क वाला नहीं आता, ये दूसरा एंटीना जो नॉर्मल आता है। बाकी देख सकते हो भाई अंदर, बाहर से यार ज़्यादा ना वो नहीं है, मतलब सिंपल स्टॉक गाड़ी है। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि VXI मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं अपने को, तो वो प्रॉपर आप चेक कर सकते हो इसके अंदर। बाकी ये सेंसर आते हैं, देख चेक कर लो आप पीछे से, कैमरा इसके अंदर नहीं आता क्योंकि स्क्रीन ही नहीं आती, जो कैमरा कहाँ से आएगा। बाकी आपको सारी मैंने बाहर से चीज़ें दिखाई दी, डोर गार्निश वगैरह, ठीक है। बाकी लुक चेक कर सकते हो भाई, बढ़िया लगती है यार स्विफ्ट ना, एक मतलब बजट रेंज मिडिल क्लास फैमिली के लिए बढ़िया गाड़ी है यार ये। चलो भाई बाहर से हो गया सब कुछ ख़त्म, आप पहुँचते हैं अंदर, फिर अंदर से आपको एक प्रॉपर डिटेल देते हैं क्या क्या आता है। VXI वेरियंट में जैसे एडजस्टमेंट करते हैं ना, फोल्डेबल वाला नहीं है, एडजस्टमेंट वाला है। बाकी ये लॉक अनलॉक का बटन हो गया, और ये अपनी पावर विंडो होगी। तो भाई मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ भाई, VXI लो, उससे नीचे जाओगे ना फिर पावर विंडो वगैरह फिर आती नहीं है, वो चीज़ दिक्कत है, उसमें कट वट लगता है वायरिंग में, वो चीज़ बेकार है। कर लो भाई ये अंदर से पूरी लुक VXI वेरियंट भाई। VXI वेरियंट का मैं एक बेस्ट चीज़ बता देता हूँ आपको, ये मॉडल सबसे ज़्यादा मतलब क्यों मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्यों बिकता है, क्योंकि मेन चीज़ देखो इसका हैंडल, स्टेयरिंग व्हील देखो, ठीक है, स्टेयरिंग की एक तो रिस्पॉन्स और एक तो लुक देखो, पूरी गाड़ी की ना इनहेंस कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपना ये ब्लूटूथ वाला हो गया, फ़ोन कंट्रोल हो गया, और अपना ऑडियो सेटअप वगैरह हो गया, दिख रहा होगा आपको, जूम कर दिया मैंने, तो भाई इस चीज़ से लुक अलग आ जाती है पूरी गाड़ी की, देखोगे है ना। अब बेस वेरिएंट ले लो भाई, इसके अंदर बेकार सा वो आ जाता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। और बाकी मीटर देखो भाई, बेस वेरिएंट में बेकार सा आता है, इसमें देख लो पूरा रेड, रात में रेड थीम जलती है, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं शॉट डाल दूंगा। आगे इधर से देख सकते हो अपने मिरर, ये अपना AC का वेंट रहा भाई, इधर थोड़ा AC के वेंट साइड वाले, अपने स्टीरियो चेक कर सकते हो आप लोग, इसके अंदर 10 इंच का स्टीरियो आता है, बट बाकी इसके अंदर कैमरा वैमरा आता नहीं है, बस ये टच वच काम करते हैं छोटे मोटे ना, बाकी इसमें ज़्यादा कोई फीचर है नहीं, ब्लूटूथ वगैरह कंट्रोल कर लो गाड़ी। और ये अपना हजार्ड बटन हो गया भाई, ठीक है। और बाकी भाई फ्रंट से देख सकते हो भाई, इस टाइप से लुक है अंदर से पूरी VXI वेरियंट की, और अपना हर गाड़ी की तरह तो सबसे आता ही है, इसमें भाई मिरर है इस साइड, और इस साइड टिकट होल्डर है, और ये अपना लाइट का ऑप्शन हो गया भाई, इसके अंदर व्हाइट लाइट डलवा रखी है भाई, हेलोजन आती कंपनी से। बाकी अपना माइक वाइक का सिस्टम हो गया, और ये अपना रियर विंग मिरर, और नीचे आ जाते हैं भाई थोड़ा अपना AC का कंट्रोल हो गए, सारी चीज़ें भाई वैसी ही मैनुअली, और ये भाई फ़ोन हटा देते,
और आपको ये चीज दिखाते हैं, ये रख रखी है भाई ने। भाई मैं रिकमेंड नहीं करता ये सब चीजें, बाकी बंदा भाई शौक के लिए रख रखी है। बाकी ये कुछ लाइट वाइट है, बाकी इधर का स्पेस वगैरह चेक करा देता हूँ भाई, चेक कर लो। इस टाइप से कुछ स्पेस आता है, दो कप होल्डर और ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। करा दिया मैंने आपको, ये इसका कुछ गियर बॉक्स आता है, देख चेक कर सकते हो। क्रोम वगैरह नहीं है पर ये ग्लॉसी में है थोड़ा। बाकी ये रहा अपना भाई हैंड ब्रेक जो हर गाड़ी में आती है। बाकी ये सीट कवर रहे भाई, ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी फिटेड नहीं है। और अपना ग्लो बॉक्स चेक कर सकते हो, इधर भी अपना कप होल्डर और इधर पावर विंडो वगैरह। ठीक है भाई, इधर से नॉर्मल हो गई। और ये कुछ लेदर वेदर नहीं है, ये सिंपल आती है इधर से। बाकी भाई फ्रंट से मैंने दिखा दिया, अब चलते हैं बैक साइड पे फटाफट से। अनकट ही रखते हैं भाई वीडियो, वही बेस्ट है भाई। बैक साइड से चेक कर लो स्पेस अपना कितना सारा है भाई, अच्छा खासा भाई। तीन बंदे आ जाते हैं, ऐसी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बैठ के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, स्पेस चेक कर सकते हो भाई पूरा। ठीक है, आराम से आ जाते भाई। देखो मैं इतने में बैठा हूँ, आराम से एक बंदा इधर आएगा एक इधर आ जाएगा। बाकी ये थोड़ा वो सामान आगे रख रखा है हमने। बाकी ये पीछे से चेक कर लो भाई पूरी गाड़ी की लुक, फिर बता देना कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। और ये तो ऐसे लग रहा है ऐसे स्पिनी पे गाड़ी नहीं दिखाते, उस टाइप से आ रही है। चलो भाई आपको चलते हैं एंड में डिग्गी में लेके, डिग्गी चेक कराते भाई सीट कवर वगैरह। बाकी ये हटवा रखे भाई ने, कुछ नहीं कह सकते भाई। डिग्गी खोल के और दिखा देते हैं पीछे बैक साइड से कितना स्पोर्ट स्पेस वगैरह आता है। ठीक है, तो ये अपना भाई ये पार्शल ट्रे हो गई, इस पर अभी सामान रखा हुआ है, ग्रिल वगैरह रखी हुई है। अगर ब्लॉग वगैरह नहीं देखा भाई, ये पूरे मॉडिफिकेशन का हम सामान लेकर आए थे अपनी गाड़ी के लिए। अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल वीडियो डाल दूँ मैं चैनल पे। बाकी ये लाने का जितना भी ब्लॉग है मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप चेक कर सकते हो। और ये रहा भाई कुछ हिसाब से बूट स्पेस, अपने स्पॉइलर रखा हुआ है और अपने हेडरेस्ट वगैरह रखे हुए हैं। सारा सामान रखो भाई, देख लो उसके बाद भी कितना स्पेस बच रहा है इसके अंदर। अच्छा खासा सामान और आ जाएगा भाई इसके अंदर। ठीक है, पीछे से पूरी चेक कर सकते हो, मतलब स्पेशियस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मतलब अपना सामान रख सकते हो। ठीक है भाई, देख लो पूरा सही से। बाकी एज सच कोई लाइट वगैरह तो नहीं आती, हाँ नहीं आती भाई लाइट वगैरह। बाकी देख लो भाई इतना स्पेस है भाई। अगर इंजन और दिखा देते हैं आपको, फिर करते हैं वीडियो का एंड, तो और दिखा देते हैं ओपन करके। तो अभी भाई गाड़ी स्टार्ट है, तो उस हिसाब से आवाज़ चेक कर लो आप। थोड़ी आवाज़ कम आए तो माइंड मत करना, एक आवाज़ सुन लो भाई। तो भाई ऐसी कुछ आवाज़ है भाई, अभी एसी भी ऑन है, गाड़ी भी ऑन है। ठीक है, पूरी वीडियो अंदर ऑन ही थी, अब एसी शायद कम बंद करा है इसलिए आवाज़ कम आ रही है। ये विदाउट एसी का रिएक्शन चेक कर लो भाई, अभी एसी ऑन हो चुका है। तो भाई वैसे तो मारुति के इंजन साइलेंट ही होते हैं, करते भाई इसको बंद, गर्म हो रही है भाई बहुत। बाकी कंपनी से तो अच्छे होते हैं, रिफाइंड इंजन है पूरे मारुति के, साइलेंट इंजन है, अंदर से पता नहीं लगता स्टार्ट है कि बंद है। तो भाई ये कुछ वीडियो रही VXI वेरिएंट के ऊपर, आप लोगों को कैसी लगी, आपकी राय, कमेंट सेशन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, उस पर अपना सजेशन दे सकते हो आप, या कुछ चीज़ मेरे को जो भी इम्प्रूव करनी है वो भी बता सकते हो। अगर वीडियो के अंदर ऐसे शॉट लो तो भाई बता देना, तुम्हारे भाई हूँ भाई, अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया नया चैनल, तो सारी बता देना भाई। ठीक है ना, बाकी फीचर तो मैं भूल ही गया था, ये चीज़ देख लो अभी बैठा जब पता लगा भाई। इसके अंदर सीट एडजस्टमेंट आती है VXI वेरिएंट में, बाकी इससे ऊपर वाले मॉडल में भी आती है। VXI से स्टार्ट हो जाती है ना ये सब, इससे बेस वेरिएंट में नहीं आती। बाकी ये अपना रिक्लाइनर वाला एंगल हो गया, ये अपना सीट वाला हो गया। और ये मैट के बारे में बताओ भाई कुछ, ये कंपनी फिटेड है आफ्टर मार्केट है? ये भाई आफ्टर मार्केट है, बाकी खाली आते होंगे इसमें जैसे भी देख लोगे। वीडियो को करते हैं एंड, और भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं जल्दी मॉडिफिकेशन वीडियो स्विफ्ट की, इसकी सेम स्विफ्ट की, अपनी स्विफ्ट की, और एक अपने ब्रीजा आने वाली है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने भाई 500 नहीं हो तो करवा देना, बाकी शायद करवा दिए होंगे आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में ही। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।